हेलो एवरीवन। स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री जहां हर कोई अपने लाइफ में जरूर जाना चाहता है। स्विट्जरलैंड यूरोप में पड़ता है और इसकी कैपिटल बर्न है। स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन लगभग 86 लाख है और यहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ की लैंग्वेज स्विस जर्मन है। वैसे यहाँ स्विस जर्मन और स्विस इटालियन भी बोली जाती है। स्विट्जरलैंड को वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री माना जाता है। यहाँ की करेंसी स्विस फ्रैंक है और एक स्विस फ्रैंक के लिए आपको लगभग 80 रुपए देने पड़ते हैं। स्विट्जरलैंड का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 3.5 घंटे पीछे चलता है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल तो बर्न है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी सिटी ज्यूरिख है और इंडिया से यहाँ आने के लिए ज्यूरिख ही बेस्ट सिटी है, क्योंकि यही यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। दिल्ली से आपको ज्यूरिख की राउंड ट्रिप की फ्लाइट 35,000 रुपीज तक में मिल जाएंगी और यहाँ पहुँचने में आपको 11 से 12 घंटे तक लग सकते हैं। स्विट्जरलैंड इंडियन टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है और लास्ट ईयर 3 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट यहाँ आए थे। स्विट्जरलैंड घूमने के लिए आपके पास यहाँ का वीजा होना जरूरी है, जिसके लिए आपको शेंगेन वीजा लेना पड़ेगा। इस वीजा की कॉस्ट आपको 7,200 रुपीज तक पड़ सकती है, यानी कि 7,200 रुपीज। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस है, इसीलिए मैं आपको यहाँ की कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में ही बताऊंगा। द मैटरहॉर्न पीक यहाँ की बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। विंटर के समय काफी लोग यहाँ पर स्कीइंग के लिए आते हैं, जबकि समर में हाइकिंग, क्लाइंबिंग और बाइकिंग भी होती है। इसकी हाइट 4,478 मीटर है और ये इटली बॉर्डर के पास में पड़ता है। स्विट्जरलैंड की इंटरलेकन की भी खूबसूरती देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। ये एक छोटा सा टाउन है और यहीं पर हमारे इंडियन डायरेक्टर यश चोपड़ा जी की स्टैचू बनाई गई है, क्योंकि यहीं पर दिलवाले दुल्हनिया मूवी की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ कई सारे रिजॉर्ट्स हैं और साथ ही लेक और माउंटेन से ये जगह घिरी हुई है। यहाँ की डे ट्रिप आप ज्यूरिख से 7,500 रुपये में कर सकते हैं। ल्यूसरिन ज्यूरिख से केवल 52 किलोमीटर पर यह प्लेस पड़ती है और ये स्विट्जरलैंड के डिफरेंट प्लेसेस पे जाने का स्टार्टिंग पॉइंट मानी जाती है। ल्यूसरिन में लेक है और यहाँ के हिस्टोरिकल हाउसेस आपको अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आप स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को देखेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ की हिस्ट्री से भी रूबरू होंगे। यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस है जैसे चैपल ब्रिज, जो कि 14th सेंचुरी में बनाई गई थी, लॉयन मॉन्यूमेंट और स्विस ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। ल्यूसरिन की डे ट्रिप आप ज्यूरिख से 5,000 रुपीज में कर सकते हैं। लेक जेनेवा यूरोप के पहाड़ों पे बसा सबसे लार्जेस्ट लेक है और ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे पड़ता है। यहाँ लेक से ही आपको स्नो पीक माउंटेन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको एक खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ रिजॉर्ट्स भी है और साथ ही कुछ हल्के फुल्के एडवेंचर एक्टिविटी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ज्यूरिख से 47 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है द राइन फॉल्स। राइन फॉल्स यूरोप का लार्जेस्ट वाटरफॉल है और ये वाटरफॉल सिर्फ देखने के लिए ही नहीं है, आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ एडवेंचर पार्क भी है। साथ ही इसके पास में ही ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं। राइन फॉल्स की डे ट्रिप आप ज्यूरिख से 6,000 रुपीज में कर सकते हैं। स्विस नेशनल पार्क, जो कि 1914 में एस्टेब्लिश किया गया था, ये नेशनल पार्क आपको स्विट्जरलैंड में एक अलग एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि ये पार्क 170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 80 किलोमीटर का हाइकिंग का रास्ता है। यहाँ आप एनिमल्स देख सकते हैं और स्टे भी कर सकते हैं। जुंगफ्राउ, जिसे द टॉप ऑफ यूरोप भी कहा जाता है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है, यहाँ पहुँचना अपने आप में एक रोमांचक सफर है, जहाँ आप ट्रेन से काफी हाइट पर पहुँचते हैं।
और रास्ते में आप हरे भरे रास्तों से होते हुए बर्फीले रास्तों से गुजरकर यहां तक पहुंचते हैं। यहां पहुंचने के बाद आप ऑब्जर्वेशन टेरेस पर पहुंचकर खुद को एक अलग ही दुनिया में पाएंगे। यहाँ की डे ट्रिप आप ज्यूरिक से कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 20,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इन प्लेसेस के अलावा स्विट्जरलैंड में ढेर सारे लेक्स हैं और यहाँ की बर्न सिटी और ज्यूरिक सिटी भी आपको काफी पसंद आएगी। स्विट्जरलैंड में ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे ऑप्शन है, जैसे टैक्सी, ट्रेन, बस, फेरी, शिप, केबल कार और ट्राम। यहाँ टैक्सी का मीटर ही 7 स्विस फ्रैंक मतलब अप्रोक्स 600 रुपए से स्टार्ट होता है और 5 स्विस फ्रैंक हर किलोमीटर के देने होते हैं, मतलब 400 रुपए। वैसे स्विट्जरलैंड घूमने में आप सबसे ज्यादा ट्रेन का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रेन की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है और दूर दूर तक ऊंचे पहाड़ों तक यहाँ ट्रेन जाती है। यहाँ ट्रेन के लिए आप स्विस ट्रैवल पास ले सकते हैं, जो कि 3 दिन से लेके 15 दिन तक का मिलता है। और इस पास की खास बात यह है कि आप इसे ट्रेन के साथ बस, ट्राम और बोट का भी सफर कर सकते हैं और कई सारे म्यूजियम्स में एंट्री भी फ्री में भी मिलती है। 3 दिन के पास के लिए आपको फर्स्ट क्लास के लिए 30,000 रुपए तक, सेकंड क्लास के लिए 20,000 रुपए तक देना पड़ सकता है। जितने ज्यादा दिन का पास लेंगे उतना ही डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब अगर यहाँ पर आप होटल लेते हैं तो आपको एक नाइट के 7,000 से 15,000 रुपीस तक देने पड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको कई सारे होम स्टे या अपार्टमेंट भी मिल जाएंगे, जो कि 3,000 रुपए से 4,000 रुपए तक पर नाइट 2 एडल्ट्स के लिए होंगे। अगर आप यहाँ खाने की थाली लेते हैं तो 2,000 रुपए से 3,000 रुपए तक आपको पड़ सकती है, और अगर एक दाल भी लेते हैं तो 1,500 रुपए से भी ज्यादा की पड़ेगी। स्विट्जरलैंड घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है जून से सितंबर। स्विट्जरलैंड का बजट कुछ इस तरीके से हो सकता है। होटल अगर यहाँ पर डे का 2 एडल्ट्स का कंसीडर करते हैं तो 10 दिन का आपका 1,00,000 रुपए का 2 एडल्ट्स पर खर्चा आएगा, मतलब पर पर्सन 50,000 रुपीज। मील्स पर आपका 4,000 रुपीज पर डे का खर्चा हो सकता है, मतलब 10 दिन का 40,000 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन का 10 दिन का 50,000 रुपए लगेगा। जिन भी प्लेसेस पर आप घूमने जाएंगे उन प्लेसेस पे एंट्री फी देनी पड़ सकती है, जिसका टोटल खर्चा 20,000 रुपए तक लग सकता है। दिल्ली से अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो लगभग 32,000 रुपए फ्लाइट का खर्चा आपको लग सकता है। वीजा का आपका 7,200 रुपीज खर्चा आएगा और अदर खर्चे जैसे सिम कार्ड, करेंसी एक्सचेंज और पार्किंग वगैरह, ये सब मिलाकर लगभग 10,000 रुपए के आपके अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो टोटल पर पर्सन कॉस्ट 10 दिन का आपका यहाँ 2,09,200 रुपए का खर्चा आ सकता है। ये अप्रोक्सीमेट खर्चा है, ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ के लिए अगर आप इंडिया से टूर पैकेज 6 नाइट 7 डेज का भी लेते हैं तो 1,20,000 रुपए तक का पड़ता है, जिसमें होटल, ब्रेकफास्ट, फ्लाइट और 8 दिन का ट्रैवल पास इंक्लूड होता है, पर लंच डिनर का आपका अलग से पैसा लगेगा। साथ ही टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए कुछ खर्चे देने होंगे। सो गाइस, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।